बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी हम आए हुए हैं भाई के साथ रोटी लेने, और ये हम सरायकी लाए हुए हैं, पुरखास रोड, और आप देख सकते हैं हम रोटी लेने आए हैं। फाइनली भाई ने रोटी ले ली है, आप देख सकते हैं भाई रोटी लेके जो है खड़े हुए हैं, और रोटी ले ली है, रोटी लेके चलेंगे। घर की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं भाई गाड़ी चला रहे हैं। रोड के किनारे हरे बड़े पेड़ दिख रहे होंगे आप लोगों को। चौराहे की तरफ और उधर से घर जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। और ये अभी हम आ गए हैं दुकान पे, नींबू लेंगे यहाँ से, सब्जी की दुकान से। और ये भाई नींबू लेने जा रहे हैं, और ये देखिए हम खड़े हुए हैं। काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया है, आप लोग देख सकते होंगे। और ये देखिए फल की दुकान लगी हुई है, और ये देखिए सरायकिल का एरिया है, ये पटेल चौराहा। और ये देख सकते हैं आप मिठाई की दुकान सामने दिख रही होगी। और ये भाई ने फाइनली नींबू ले लिया है। चलिए चलते हैं अब घर की तरफ, जो है घर की तरफ आ गए हैं। फाइनली रोटी कहाँ रखना है देख लेंगे, और ये रोटी यहाँ रखने जा रहे हैं। और ये रोटी रख दी। सलाम, ये देखिए हमारे भाई हैं रहमान, ब्लॉग बना रहे हैं। भाई भी अंदर आ चुके हैं, और ये देखिए जो है शीशे में देख रहे हैं, देखिए शीशे में देख रहे हैं अपने आप को, आप लोग दिखाएं। देखिए बच्चा बाल्टी जो है लगी पड़ी है, पपीते खा रहे हैं। ये कौन है, कौन हो आप, कौन हो, नाम बताओ अपना, आप बताओ नाम अपना, नाम बताओ आपका, नाम क्या, आपका नाम क्या है, सिफर। ये कौन है, और ये देखिए पपीते खा रहे हैं, और ये देखिए सेब कटा हुआ है, और ये बालूशाही रखी हुई है, और ये पपीता कटा हुआ है मेहमानों के लिए। क्या हुआ डंडी, देखिए साजन सीख मांग रहा था पपीते खाने के लिए, और ये देखिए लगे हुए हैं दोनों। लोग जा रहे हैं, देखिए कुछ जरूरी काम है, ये रहमान भाई साथ में जा रहे हैं, देख सकते होंगे काम है, जगह पे जाएंगे पता चलेगा। अब तक आप लोग व्लॉग में बने रहिए। स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, और ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भाई जो है रोटी लगा रहे हैं शायद। भाई क्या कर रहे हैं, रोटी लगा रहे हैं क्या? और ये देखिए लोई बना के रखी हुई है, और ये देखिए आग में थोड़ा थोड़ा पानी मार रहे हैं। यही आना था हम लोगों को, फाइनली आ चुके हैं। और ये देखिए हमारे पीछे पानी भरा हुआ है, और इधर सामने भी भरा हुआ है। और ये यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा हुआ है, जयसवाल चिकन, जयसवाल चिकन नाम से होटल है, और रेट लिस्ट पूरी लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। होटल मिलेगा आपको फकीराबाद चौराहे से करण चौराहे की तरफ आते हुए रास्ते में, संजीवनी हॉस्पिटल के पास, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने भाई के फार्म पे, और ये आप देख सकते हैं फार्म जो है कुछ इस तरह दिख रहा है, और यहाँ कुछ सब्जियाँ लगी हुई है, और ये आप देख सकते हैं बैंगन लगे हुए हैं, और बैंगन जो है इसमें जो है पौधों में जो है बैंगन भी आ चुके हैं। ये देखिए छोटे छोटे बैंगन दिख रहे होंगे आपको, बड़े ही मज़े के दिख रहे हैं। और आपको दिखाते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं इनमें फूल भी आए हुए हैं, और ये बैंगन दिख रहे होंगे आपको,
काफी मजे के दिख रहे हैं। इनकी भी सब्जियां जो है बना के खाने में बहुत ही टेस्टी आती है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देखिए। और इधर आगे चलेंगे तो देख सकते हैं आप लोग जो इधर टमाटर लगे हुए हैं, और ये देखिए अभी हरे हरे टमाटर हैं, और देखिए इनकी पत्तियां कितनी हरी हरी दिख रही हैं। गाइस आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और जो कुछ होता है हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। और ये देखिए भाई भी साथ साथ चल रहे हैं, और ये देखिए उमर जो है गेट पकड़ के खड़ा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो उमर, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, बताओ, बोलो नहीं। बोलो यार, जा रहे। अरे ये देखिए भाग। तो यहाँ पे और बहुत कुछ है, तालाब भी है छोटा सा, आपको दिखाते हैं। ये जो है वायर लगाए हुए हैं ताकि कोई जानवर अंदर ना आ सके। और ये तालाब की बात कर रहे थे, देखिए छोटा सा तालाब है, इनमें मछलियाँ पाली गई हैं। और कौन कौन सी मछली है इसमें, सलमान भाई बताओ कौन कौन सी मछली है? चैनर होगी। चलिए इसमें जो है हमको लगता है चैनर मछली है, और हमको लगता है मांगुर भी होगी, हो सकता है। अभी इनको कायदे से मालूम नहीं है, भाई को मालूम होगा, बड़े वाले भाई को मालूम होगा, वो होते तो उनसे पूछते तो काफ़ी बेहतर जानकारी मिल सकती थी। तो व्लॉग में बने रहिए आप लोग। ये आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये गन्ना लगा हुआ है, और ये देखिए काफ़ी मज़े का दिख रहा है। ये देखिए उमर भाग रहा है, और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मटर भी, और ये देखिए मटर में जो है काफ़ी फूल आ चुके हैं, और मटर की सीमी भी दिख रही होगी आपको, ये आप देख सकते हैं। और देखिए फूल जो है काफी प्यारे लग रहे हैं, देखिए हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ। हमारे पीछे भी देख सकते हैं काफी हरियाली दिख रही होगी आपको, और ये हमारे पीछे देखिए अरहर लगी हुई है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ तनवीर अहमद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।